हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं फिलहाल निकल चुका हूँ मेरे घर से टाइगर जिंदा के शो के लिए और 9 बजे का शोज है, तो मैं बस का वेट कर रहा हूँ। आई होप मेरी बस 5 मिनट में मिल जाए, और बस मिल जाएगी तो मैं फटाफट पहुंच जाऊंगा। फिलहाल हो रहा है 8:20 और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो के लिए। जैसे जैसे होगा मैं पूरा इस ब्लॉग में बताऊंगा। ये है ब्लॉग 5। मुझे मेरी सीट मिल चुकी है, मैं अपनी सीट पर बैठा हूँ। अभी यहाँ से एंजॉय कर रहा हूँ, सीधा जा रहा हूँ स्टेशन पर। आफ्टर 15 मिनट्स बाद, 15 मिनट के बाद मैं बस से उतर चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ टाइगर जिंदा है देखने के लिए मिराज थिएटर्स, जो गोरेगांव ईस्ट में है। मैंने कम से कम 3 से 4 दिन पहले आपको बताया था कि मैंने टिकट बुक कर लिए, पहले भी बुक कर लिए जब एडवांस बुकिंग चालू हो गई। तो मैं फिलहाल जा रहा हूँ, मुझे यहाँ से कम 8 से 10 मिनट और लगेंगे। मैं सिर्फ 15 मिनट खर्च किया हूँ, यानी कि मैं निकला था 8:20 पे, अभी हो रहे हैं 8:35। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं हमेशा थॉट पढ़ता हूँ। राइट साइड में आप देखोगे तो करेक्टर इज मोर इम्पोर्टेंट देन रेपुटेशन, ये हमेशा याद रखना। यानी कि आपका स्वभाव बहुत इम्पोर्टेंट है आपके रेपुटेशन से, आपके मतलब आप कैसे हो क्या है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका करेक्टर है, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, किसके साथ। लगभग 5 मिनट का वक्त बाकी है मुझे पहुंचने के लिए, यहाँ से मुझे 5 मिनट लगेंगे। फिलहाल हो चुके हैं 8:40, सुबह का वक्त है करीबन जैसे मैंने आपको बताया 8:20-22 हो रहे हैं और सभी दुकानें खुली है कुछ और कुछ खुल रही है। आप देख सकते हैं कुछ दुकानें खुली कुछ खुल रही है, और मैं भी शायद पहुंच जाऊंगा 2 मिनट में, लगभग 1 मिनट में पहुंचूंगा। और यहाँ पे दुकान में देखिए क्या क्या बन रहा है। मुझे खाने का तो मन कर रहा है लेकिन मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं घर से नाश्ता करके निकला हूँ। समोसा था, कैटलेस था और वड़ा पाव था, तो मैं नहीं खाऊंगा। हाँ दोस्तों, मैं फिलहाल पहुंच चुका हूँ गोरेगांव स्टेशन के इधर और मैं टाइगर जिंदा फिल्म देखने जा रहा हूँ। और मैं आपको बता दूँ, सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे अनुपम एनोपोलिस लिखा है, उसके बाद मिराज सिनेमा लिखा है, यानी कि मैं मिराज सिनेमा के गेट के यहाँ पे पहुंच गया हूँ। और जैसे ही फिल्म चालू होगी वो सब चीज़ें मैं बाद में आपको पूरी रिव्यूज़ बताऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं एंट्री कर रहा हूँ और टिकट थोड़ा ले लेता हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं हम सिंधिया है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं मिराज सिनेमा के यहां पर, यहां पर टिकट बुकिंग चालू है, लोग टिकट खरीद रहे हैं, मैं भी ऑलरेडी टिकट खरीद चुका हूं, तो लोगों का कितना एक्साइटमेंट है चलिए जानते हैं। मेरे साथ दो दोस्त मुझे मिल चुके हैं जिन्होंने हाल ही में टिकट बुक किया। भाई जान, कितने एक्साइटेड है सलमान की फिल्म के लिए? और क्या पहला शो देखना है और क्या एक्सपेक्टेशन है आपको सलमान की फिल्म टू दैट क्लब थी? सबसे बेस्ट जाने वाली है, ट्रेलर का भी काफी अच्छा था रिएक्शन। चलिए ठीक है शुक्रिया। तो ज्यादातर लोग फिलहाल है नहीं, लेकिन जितने लोग हैं वो लोग काफी एक्साइटेड हैं। चलिए देखते हैं अंदर क्या हाल होता है, मैं फिल्म का आपको रिव्यू बताऊंगा फिल्म देखने के बाद। पब्लिक की बहुत ज्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो है मेरा स्टेटस का, नाउ शोइंग आप देख सकते हैं टाइगर जिंदा है। फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। टाइगर जिंदा है का मिड रिव्यू मैं बताऊंगा। आधी पिक्चर पूरी हो चुकी है और करीबन 1 सवा 1 घंटे की
फर्स्ट हाफ था. इस फर्स्ट हाफ में बहुत कुछ देखने को मिला. टाइगर अपने खूंखार अंदाज में नजर आए. बुल्स के साथ उनकी फाइटिंग होती है. एक अच्छा खासा एक्शन है बर्फीले पहाड़ों पर. फिर टाइगर जिंदा है किस मिशन पर किस तरह से जाते हैं इराक में जहाँ पर नर्सेस फंसी हुई है. तो मिशन किस तरह से पूरा करते हैं वो इस पूरे इस पर दिखाया गया है. उनका साथ देती है रोया. ओवर अभी तक का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही ग्रेट है. पब्लिक ने बहुत सीटियाँ बजाई है खासकर टाइगर जिंदा है की एंट्री में. कुछ चीज़ें हैं शॉकिंग इसमें लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं. यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि इंडिया पाकिस्तान साथ में मिलकर ऑपरेशन करते हैं और पीस के ऊपर खड़े होते हैं. मतलब पीस के लिए साथ मिलते हैं क्योंकि जोया पाकिस्तानी यदि है और टाइगर इंडिया के रहते हैं. तो ओवरऑल बहुत अच्छा अभी तक का रिस्पॉन्स है. अब देखते हैं आगे पूरी पिक्चर क्या है. लेकिन अभी तक हाफ रिव्यू के हिसाब से अगर देखे जाए तो इस फिल्म को आराम से 4 स्टार मिलेंगे. और देखता हूँ आगे क्या है कैसे रिस्पॉन्स होगा वो आपको जरूर बताऊंगा. टाइगर जिंदा है फिल्म रिलीज हो चुकी है. मैंने ये फिल्म देखी है. चलिए आज जानते हैं मेरे साथ जो लोग हैं उनसे कैसी लगी भाई आपको फिल्म. बहुत अच्छी थी. उनका जो डायलॉग था ना तो मुझसे कौन बचाएगा वो एक नंबर. आपको कैसी लगी भाई सब फिल्म. भाई एक नंबर लगी संजू भाई की मूवी. और क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा फिल्म में. आपको कैसी लगी फिल्म. एक्शन एक्शन इज बेस्ट. और अगर रेटिंग दिया जाए तो कितना देंगे 5 पे से. 5 5. तो सलमान खान की फिल्म को 5 स्टार रेटिंग दे रहे हैं लोग और बहुत अच्छा लगा है लोगों को फिल्म. और इनका कई लोगों ने क्या तालियां बजाई. कौन सा सीन लगा जो आपको थोड़ा इमोशनल किया और शॉकिंग लगा. और ये फिल्म में आपको कैसा लगा एकेडमी का जो एक्शन है जो किया वो कैसा लगा. पाकिस्तान आपका क्या पैसा वसूल हुआ जो 150-250 रुपए. टिकट की बुक बिक्री देख सकते हैं आप कितना पब्लिक लाइन लगा के खरीदी हुई टिकट टाइगर जिंदा है का. फर्स्ट शो मैंने देख लिया है. फर्स्ट शो काफी कमाल का है. रिव्यू अभी दूंगा, काफी ज्यादा बड़ा रिव्यू नहीं दूंगा. एट द एंड यही कहूंगा कि 2 घंटा 41 मिनट की फिल्म है. कमाल की चीजें देखी मैंने. और सबसे बेस्ट चीज जो इस फिल्म में थी वो इंडिया पाकिस्तान का पीस था. जो लास्ट में आपको दोनों कंट्री के नेशनल फ्लैग दिखाई देंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. मैं पूरी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं करूंगा, बस ये चीज इंपॉर्टेंट था आपको बताया. इसके अलावा यही कहूंगा कि एक्शन धमाकेदार है, बैकग्राउंड म्यूजिक धमाकेदार है. एक्शन के अलावा जो डायरेक्शन है वो भी कमाल का है. और ओवरऑल फिल्म में जो गाने हैं वो भी कम रखे गए जो एक अपने आप में बहुत अच्छी चीज है. और ओवरऑल फिल्म को अगर पूरी की पूरी हिसाब से रेटिंग देनी चाहिए तो पूरी की पूरी मेरे ख्याल से 4 स्टार बनता है. जेन्युइन रिव्यू है, कोई सलमान खान का फैन हूं इसलिए नहीं. ओवरऑल फिल्म अच्छी लगी, लोगों ने तालियां बजाई, कई शॉट्स पे सीटियां भी बजी. सलमान की एंट्री सीन सबसे बेहतर है और जो एक गन लेकर जो फायरिंग करते हैं एंड में वो आई थिंक काबिल तारीफ है. इसके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में कुमुद मिश्रा, परेश रावल, इन्होंने भी अच्छी भूमिका निभाई है अंगद बेदी ने. और ओवरऑल फिल्म बहुत अच्छी लगी. मेरे साथ मेरे भाई है, इन्हें भी अभी फिल्म देखी. भैया कैसी लगी फिल्म. अच्छी थी ना. ओके. इन्होंने इनके हाल ही में रिव्यू दिया था, इनको भी बहुत अच्छी लगी. तो ओवरऑल सभी लोग लाइन में बिजी है वापस देखने के लिए कई लोग, और कई लोगों ने अभी का शो बुक किया है. तो ओवरऑल मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इस ब्रीफ रिव्यू में. फिल्म धमाकेदार, देख लाल कितना ही व्यापार.